तो आने के टाइम घोड़बंदर रोड पे बहुत ट्रैफिक थी और वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी, तो हम लोग तकरीबन 1.5 से 2 घंटा खड़े हुए थे ट्रैफिक में, फंसे हुए थे। एक ही जगह पे गाड़ी रुकी हुई थी हमारी, तो मैंने सोचा कि आगे जाके हम ट्रैफिक हटाते और जो हमारा फ्रेंड गाड़ी चला रहा है वो गाड़ी आगे लेके आ जाएगा। वो हिसाब में मैं उतरा नीचे। तो नीचे उतरने के बाद हम लोग ड्राइवर डिवाइडर के साइड से जा रहे थे, तो वहाँ पे खड्डा था या क्या था पता नहीं, अंधेरे में समझ नहीं पाया, तो उसमें मेरा पैर चले गया और मैं अपोजिट रोड पे गिर गया। तो गिरने के बाद मेरे फ्रेंड ने मेरा हाथ पकड़ के खींच लिया, तो मेरा हेड जा रहा था टायर के नीचे। हाँ, ट्रक आ रही थी सामने से, तो मेरे फ्रेंड ने मेरा हाथ पकड़ के खींच लिया ये साइड, तो भी मेरा लेग्स नहीं बचा पाया वो, तो मेरे लेग्स उस ट्रक के नीचे चले गए। उसके बाद फिर मेरे को मेरे फ्रेंड लोग ने उठाया, गाड़ी में डाला और दीपक हॉस्पिटल में लेके आया। फिर दीपक हॉस्पिटल में मेरी फैमिली जाके मुझे ये हॉस्पिटल में लेके आए। दोनों पैर में लगाए जी, एक को हटाना पड़ा इन्फेक्शन की वजह से, इन्फेक्शन फैलते जा रहा था उसमें। ये ट्रैफिक और वहाँ पे लाइट नहीं है अंधेरे की वजह से, ये दो चीज़ के वजह से हुई है, और ये रोज़ का है वहाँ पे, क्योंकि थाना आना जाना होता ही है हमारा भी, आना जाना होता ही है। तो लाइट्स भी नहीं है वहाँ पे और ना ही ट्रैफिक का कोई कुछ भी नहीं, कोई ट्रैफिक हो भी होती भी है तो ना कोई पुलिस रहती है ना कोई कुछ रहता है, सिर्फ ट्रैफिक ही रहती है। कम से कम 1.5 से 2 घंटे गाड़ी एक ही जगह स्टॉप थी और हमेशा का वैसा ही है। आप शाम के टाइम जाओगे वहाँ पे 10 बजे के बाद तो आपको खुद को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। नहीं, लोग को तो बोलना चाहिए ना कि कम से कम कुछ नहीं तो नहीं, अपने कुछ गार्ड्स तो खड़ा करे, लाइट्स तो लगाए वहाँ पे ताकि पब्लिक उतरे नहीं, पब्लिक अपनी मर्ज़ी से जाके आगे ट्रैफिक नहीं हटावे, क्योंकि गार्ड्स रहेंगे पुलिस वाले रहेंगे तो पुलिस वालों का काम है वो हटाना करना। अब पुलिस ही वो जगह पे नहीं रहेगी तो फिर पब्लिक तो करेगी ना, जिनको लेट हो रहा है जिनको क्या हो रहा है, बस वही हिसाब है। पेशेंट उस्मान अर्ली मॉर्निंग में यहाँ बहुत क्रिटिकल कंडीशन में लाए गए थे और उनका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था, और जिस अवस्था में वो लाए थे काफ़ी क्रिटिकल थे, और उनके पैर के ऊपर एक कहते हैं हेवी व्हीकल गुजर गया था, तो उसके लिए हमको उसका ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस तुरंत करना पड़ा, और फिर MRI और CT स्कैन में मालूम पड़ा कि नी में काफ़ी सारी इंजरी हुई है और नी का एम्पूटेशन रिक्वायर्ड है। उनका एम्पूटेशन करके अब उनको स्टेबल और कहते हैं वाइटल्स उनके नॉर्मल कर दिए। पेशेंट अभी ICU में ही है और रिकवरी स्टेज में है।